वेलकम टू माई लाइफ प्रीति फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि रिबॉन्डिंग के बाद अपने बालों का केयर कैसे करें। तो जस्ट मुझे अभी 2 दिन हुआ है रिबॉन्डिंग कराए हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को बताऊँ कि किस तरह से इसका केयर करें और मैंने भी किस तरह से अपने इस बालों का केयर किया है 2 दिन तक, वो मैं ही जान रही हूँ। फ्रेंड, कराने के बाद क्या होता है कि हम ये जो हमारे बाल हैं हम इसको कान के पास नहीं ले जा सकते, और अभी तो मैंने ये बाल आगे कर लिया है सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए कि मतलब कि किस तरह से हमने रिबॉन्डिंग कराई है। इस बाल को हमेशा आपको पीछे रखना है, ये देखिए इस तरह से करके पीछे, और आगे भी नहीं आने चाहिए। जब आप सो रहे हों तो आपको तकिए के मतलब लटका के रखना चाहिए हमेशा के लिए, क्योंकि क्या होता है जब ये फोल्ड हो जाएगा तो बाल हमारे ख़राब हो सकते हैं। ऐसे ही सो गए बिना बेड से लटकाए हुए बाल को तो ये टेढ़ा हो सकता है, इसलिए आप इसे जब भी सोए तो बेड से लटका के नीचे सोएं। और रही बात बाल के गीले होने की, तो बाल आपको आप बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। अगर आप फेस वॉश करते हो तो फिर आप क्या करें, कोई कपड़ा या कॉटन ले लें, उसको आप गीला करके आराम से हल्के हल्के हाथों से अपना फेस वॉश करें। और क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया है फेस वॉश, अभी जाके मैंने प्रॉपर 2 दिन से अभी जाके मैंने प्रॉपर अपना मुंह धुला है साबुन से। मैंने क्या किया है, बाल को हल्का सा पीछे करके यहाँ पे तौलिया रख के फिर हल्का हल्का अपना साबुन से थोड़ा सा धुला है। और आप एक और बात, आप इसमें नहा भी नहीं सकते हैं। चलो अभी हमारा सर्दी है तो हमें आप लोग को इस वीडियो में बता देती हूँ कि मैंने 2 दिन तक नहाया भी नहीं है। सर्दी थी इसलिए निकल गया, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप नहाना मत नहीं तो गीला हो जाएगा। और अगर आप नहाना भी चाहते हो तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो कि आराम से कोई आपका बाल उठाए रहे और फिर नहा लो, तो फिर ऐसे मेरे घर में कोई था नहीं हेल्प करने वाला, इसलिए मैंने नहाया नहीं। उन्होंने बोला रहने देना, क्योंकि 2 दिन कोई बात नहीं, नहीं नहाएंगे, रोज़ तो नहाते ही हैं, और अगर हमारे बाल पे पानी पड़ गया तो ख़राब भी हो सकता है, सारे पैसे पे पानी फिर जाएगा अगर हमारे बालों पे फिर गया तो, इसीलिए मैंने नहाया भी नहीं है। तो आज जा रही हूँ, अभी हमारा हुआ है 2 दिन, 2 दिन के बाद आपको जिस सलून से पार्लर से आप रिबॉन्डिंग कराए हो उस पर आप को दोबारा जाना पड़ता है। तो अभी मैं जस्ट जा ही रही हूँ वहाँ पे, तो वो हेयर वॉश करेंगे और आपको वीडियो में पीछे मैं दिखा देती हूँ कि किस तरह से हेयर वॉश करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं। इतना मेरे को पता नहीं है क्योंकि मैं फर्स्ट बार करवाई हूँ, तो चलो चलते हैं। फ्रेंड, यही सब केयर करना होता है। और एक बात, काफ़ी लोगों के मन में एक सवाल रहती है कि क्या रिबॉन्डिंग के बाद हम तेल वगैरह लगा सकते हैं, शैम्पू कौन सा लगा सकते हैं, ये सभी बातें रहती हैं। तो फ्रेंड, मैं जब रिबॉन्डिंग नहीं करवाई थी तभी भी मेरे दिल में भी यही सवालें होती थी, तो मैं पार्लर जाके पता की तो उन्होंने बोला कि आप 1 महीने तक कोई भी तेल नहीं लगा सकते हो, उसके बाद कभी कभार आप लगा सकते हो तेल, और शैम्पू भी जो नॉर्मल शैम्पू होते हो आप यूज़ नहीं कर सकते, वो ही हमको कोई शैम्पू देंगे जिसे हम यूज़ करेंगे। तो अभी मैं पार्लर जा रही हूँ तो वो जो शैम्पू देंगे आप लोग को मैं इस वीडियो में दिखा दूँगी कि उन्होंने हमको कौन सा शैम्पू दिया। तो ये इसमें ये भी सब भी बातें होती हैं, और हमें कहते हैं 2 दिन तक थोड़ा सा अपने बाल को संभाल के रखना होता है, उसके बाद हम किसी भी तरह से बाल को बांध सकते हैं, पफ बना सकते हैं और चोटी भी हल्की फुल्की क्लिप लगा सकते हैं। 15 दिन के बाद हम जैसे मर्जी वैसे अपना बाल बांध सकते। रही बात कितने दिन तक रिबॉन्डिंग टिकती है, मतलब हमारे बाल कितने दिन तक स्ट्रेट रहते हैं, तो हमारे बाल लगभग, उन्होंने मेरे को बोला था कि आपके बाल 2 साल निकल जाएंगे, जो हमारे ये नए बाल स्ट्रेट हुए हैं ये हमारे ऐसे ही रहेंगे, जो हमारे बाकी के बाल जब हमारे निकलेंगे वो हमारा टेढ़ा ही होगा, मतलब तो यही उन्होंने ही बताया था। तो चलिए चलते हैं पार्लर, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। Thank you.
बस बन गई ये सारा आगे से आगे से थोड़ा सा हां जी जैसा होता है एक मिनट बस हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली मैंने वॉश करवा लिया है बाल। और वॉश जब करते हैं कोई कंडीशनर यूज़ करते हैं जो मैं आपको नाम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। हमने फ़ोटो वगैरह खींची है और ये देखिए बहुत ही उससे भी ज़्यादा सुंदर हो गए, ब्यूटीफुल हो गए बाल। अब मैं किसी भी तरह से इसको बांध सकती हूँ और मतलब ये 10-15 दिन तो लगभग एक चोटी नहीं बांध सकती, क्योंकि फिर थोड़ा सा थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ ही जाता अगर मैं चोटी बांधती हूँ तो। एक लेक्चर वगैरह लगा सकती हूँ और ये देखिए बहुत ही अच्छा हो गया है। ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरा बाल है। ओके शाइनिंग देखिए आप। ओके आई होप आपको वीडियो पसंद आ गई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई बात पूछनी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। ओके बाय बाय।